रेफरल अस्पताल सिमरिया के चिकित्सक अंकिता खंडेलवाल का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें अंकिता खंडेलवाल ने एक मरीज से निजी क्लिनिक ले जाने के लिए बोला जा रहा है, नहीं ले जाने पर उसे धमकी दिया जा रहा है। आइए इस ऑडियो के माध्यम से देखते हैं कि चिकित्सक और मरीजों के परिजन से क्या बातचीत हुआ है। सीधे जुड़ रहे हैं। हेलो, हाँ, कहाँ स्टेशन के साथ बोल रहे हैं? कहाँ जा रहा है? हजारीबाग। क्यों हजारीबाग जा रहा है? उनको जान पहचान का हम तुमको वहाँ लिख के चतरा भेजे हैं, तो तुम हजारीबाग जा रहा है? मैडम है प्लेसेंटा फिर भी है। लोग बोल रहे हैं हजारीबाग ले चलो। हाँ सर, कौन बोला हजारीबाग लेके चलो? कौन बोला हजारीबाग लेके जाने? हम ले जा रहे हैं हजारीबाग में, तो वहाँ थोड़ा अच्छा इलाज होता है इसके लिए। तो हजारीबाग में चतरा में भी तो हम ही ना इलाज करते हैं। हजारीबाग में तुम लेके जा रहे हो तो बच्चा को बचाने के लिए ना बोले कि बच्चा नहीं बचेगा? प्लेसेंटा फिर भी है, ब्लडिंग हो रहा है, आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? क्या? अच्छा, हेलो हेलो। हाँ मैडम। हाँ मंटू भैया, क्या हुआ? अरे इसका एक आदमी बोल रहे हैं, अभी देखिए, फिर इसका एक भाई फोन किया कि बोल रहे कोई इधर एनएम है सिमरिया में, वहाँ बोल रहा है। हम बोले कि प्लेसेंटा फिर भी है, बहुत दिक्कत होता है सर मैडम हम लोग के भी साथ, ऐसा नहीं, यही बोल रहा है हजारीबाग जाने। प्लीज का हाई बोल रहा है कि वहाँ एक और है विभा मैडम, उनके पास जाइए। तो वो क्या करेगी? वो सिस्टर है वो? वही हम समझा रहे हैं उसको, वही चीज हम समझा रहे उसको। अब उससे कॉन्फ्रेंस करवा रहा, हम रुक गए, हम क्या करें सो बताइए। जब हम समझा रहे हैं हजारीबाग नहीं जाना, वो बोल रहा है, आप बोले हजारीबाग ले जाने के लिए कि वहाँ अच्छा इलाज होगा, ये आपके ऊपर डाल रहा है मंटू भैया? नहीं नहीं, तो सामने गाड़ी में रुक गए हैं मैडम, अभी आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। नहीं तो ये कैसे बोल रहे कि आप बोले हजारीबाग जाने के लिए? ये तो बोल रहा है कि हमको गाड़ी वाला बोला हजारीबाग में अच्छा इलाज होगा। देखिए मंटू भैया, हम जब तक शांत रहते हम शांत रहते हैं, हमको जो चीज का पहला बच्चा भी मर गया, आप लोग के चक्कर में ना बच्चा ही मरता रहता है, कैसे आप लोग हमका वहाँ वाले लोग हैं? हाँ, आप लोग कोई हिस्ट्री जानते हैं पेशेंट का? मैडम जैसे देखे बोला, कैसे बोल दिए इसको? बोले आरबी हॉस्पिटल लेके जाना है, आप लोग तो बहुत कन्विंस करते हैं पेशेंट को, इसका बच्चा मर जाएगा तो फिर क्या होगा? उसका पहला बच्चा भी मरा हुआ निकला था। घुमा दे गाड़ी मैडम, हम फटाफट घुमा के लाइए। हेलो हेलो। हाँ हेलो, कहाँ है मंटू अभी? मंटू जी अभी इधर निकल गया, अभी मैं कहाँ? टूटी लावा साइड। टूटी लावा साइड मतलब आप लोग चल गए हजारीबाग? हाँ। हेलो। हाँ हाँ मैडम। हाँ मंटू भैया, कहाँ लेके जा रहे हैं उसको? सदर बोल रहा है मैडम। अरे आप क्यों सदर लेके जा रहे हैं? हम जब बोले आरबी ले जाने के लिए आपको, तो आप अपने ही स्मार्टफोन पे। सुनिए सुनिए ना मैडम, हम सही जो बोल रहा था, आपके पास हम दोबारा गए ना, तो ये बोला कि हमको ले चले उधर को विभा मैडम है, तो फिर हम आपके पास गए, तो फिर बोल रहे की नहीं हजारीबाग चलिए सदर। तारे तो आप लोग तो ऐसे तो बड़ा कन्विंस कर लेते हैं, और ऐसे आप लोग एक बार में बात मान गए। हाँ, आपसे बात कर रहे हैं मंटू भैया कुछ? हाँ हाँ मैडम। आप लोग तो ऐसे बहुत कन्विंस कर लेते हैं पेशेंट को। तबियत खराब है इसलिए मेरा क्या है मैडम, जिसे ही बोला सदर पहुंचाने के लिए तुम पहुंचा दे रहे हैं। तो ममता वान सदर क्यों जाएगा? तो 108 में सदर जाएगा, वापस लेके आइए। क्यों फिर ममता वान में गया है? फिर 108 में जाना था, आप क्यों लेके गए हैं? 108 में जाता वो सदर? हाँ मैडम, जैसे देखिए ये सब 108 में क्यों गया नहीं वो, अगर सदर जाना था आप क्यों लेके गए? आप आके दोबारा क्यों नहीं बोले? सुनिए ना मैडम, जैसे ये जो बोल रहा है सदर जाने के लिए, बात कराइए उससे, फोन दीजिए। भैया का लाहौर ले जाने बोल रहे हैं मैडम। कहाँ तू है? हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ, अरे प्लेसेंटा प्लेसेंटा त्रिविया है, ठीक है,
हेलो हेलो। अरे हल्ला कर रहा है कि नहीं हमको हजारीबाग ले चलिए, थोड़ा मैडम को दीजिए तो। हेलो मैं घूम रहा है मैडम, देखिए बात कीजिए लीजिए। दीजिए बाबू दीजिए। हेलो हेलो। हाँ सैया बोल रही है, सैया को फोन दो। हाँ 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 मैडम बोलिए। सैया को फोन दीजिए। हाँ हाँ मैडम। सैया को फोन दीजिए, सैया जो साथ में सैया थी। हेलो। हाँ मैडम। कहाँ तुम लेके जा रही हो उसको? मैडम बोली उसका हस्बैंड की हमको हजारीबाग जाएंगे, हमारा आदमी वहाँ पर है। मैंने क्या बोला? बच्चा नहीं बचेगा हजारीबाग तक, क्या नाटक कर रही हो तुम? मैडम हम कंप्लेन दे देंगे, तो ममता वहाँ पे क्यों गई? तो एक साथ में जाओ तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाने की? मैडम मेरे को तुम बेवकूफ बना रही हो तुम। हाँ तुम्हारे नाम से हम रिटर्न कंप्लेन दे देंगे, मना मजाक नहीं कर रहे हैं, तुम ज्यादा स्मार्टनेस सिखा रही हो। उसका हस्बैंड बोल रहा है मैडम, बोल रहा है। अरे बच्चा मर जाएगा हजारीबाग पहुँचते पहुँचते। सिमरिया की हो तुम लोग, चतरा में जाने में तुम लोग को घबराहट हो रहा है? हजारीबाग तुम लोग जाओगे वापस, आओ नहीं तो तुम्हारे नाम पे हम कम्प्लेन लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुमको, ध्यान रखना ये बात। ज्यादा तुम लोग स्मार्ट बन रही है। बोल रहा है कोई कुछ नहीं बोल रहा है, 108 में आओ, वापिस आओ, हजारीबाग जाना है तो 108 में आओ। चलो मरने दो बच्चा, मरना ही है तो। फोन दो मंटू को। मंटू भैया वापस आइए, ये लोग 108 में जाएगा, मरने दीजिए बच्चा को, मरना है तो वापस आइए, 108 में जाएगा ये लोग, सदर हॉस्पिटल जाना है तो जाइए। सुनिए ना मैडम, सुनिए ना, जैसे भैया हम जो बोल रहे हैं वो करिए। बीच में हम ऐसा दोनों साइड मेरे लिए गड्ढा हो गया ना। हाँ तो आप आइए ना, आपको पैसा ना चाहिए हम दे देंगे, चलिए आइए। आप बोल रहे हैं ले जाते, पैसा के लिए हमको मतलब नहीं है मैडम। तो फिर आप क्या चीज गड्ढा बोल रहे हैं? नहीं दोनों साइड गड्ढा मतलब हजारीबाग में उसका बच्चा नहीं बचेगा वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, यही हम बोल रहे हैं, समय बचाना है, हजारीबाग नहीं जाना है, वहाँ टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम हजारीबाग के लिए मना कर रहे हैं। तो यहाँ हम टूटी लावा आसपास आ गए, यहाँ से 30-35-40 मिनट में पहुँच जाएंगे, 35 मिनट में। अब वापस आइए, 108 में जाएगी वो, अगर उसको सदर जाना वो 108 में जाएगी, बोल दिए मतलब बोल दिए। आप लोग बिना, आप लोग बहुत स्मार्ट बनते हैं मंटू भैया। मैडम हमको क्यों बोल रहे हैं मैडम बताइए, आप रेफर किए, हम दोबारा पूछने गए। नहीं नहीं हम क्या बोले, चतरा लेके जाइए। नहीं तो ये बोला, हमको बोला ना कि गढ़वा, सुनिए ना हम चाहिए था मेरे पास। सुनिए मंटू भैया मेरे से स्मार्टनेस मत दिखाइए, हम जब तक कुछ नहीं बोलते कुछ नहीं बोलते हैं, आप लोग अपना ही मन मर्जी चला के बैठेंगे यहाँ पे। क्या करें, घुमाने नहीं दे रहा हमको। नहीं घुमा कैसे नहीं घुमाने दे रहा है, उतार दीजिए वहीं पे, रास्ता में उतार दीजिए। तो उतार देते हैं, उतार दीजिए वहीं अपना।